लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? देश भर में छिड़े लाउड स्पीकर विवादों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने तमाम सवालों को ही खारिज कर दिया। दरअसल बता दें कि लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए जाने और उस पर प्रतिबंध को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू की बात है, इससे हम सहमत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जीतनराम मांझी ने इन बातों को सपोर्ट किया है बीजेपी की इस मांग को लेकर। जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा है वो आप पहले सुने। लोग थे सर, अच्छी बात है जी। यही साबित होता है कि ऐसे ऐसे समय में सब लोग अपने जो कुछ विचारधाराएं उल्टी भी होती है उसको सीधा कर करके ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य के और देश के हित में हम लोग सब एक हैं और अमन कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसकी दुआ के लिए सब लोग आए। अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने कहा लाउड स्पीकर मामले में बेरोजगारी भी बात होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पे नहीं। आप कितने सहमत हैं? एक मिनट खड़ा हो जाइए। हम भी कहते हैं कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना फैलाने की बात है। इसलिए जो इस प्रकार की उन्मादी जुलूस होता है और इस प्रकार के लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजते हैं जिससे दूसरों को माने वायु प्रदूषण होता है, ऐसे में हरकत में बंद कर देना चाहिए सब चीज़ को। तो इसलिए उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। तो आपने सुना जीतनराम मांझी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक जुलूस और धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लोगों को बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दरअसल बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर जब सवाल किया गया था कि क्या लाउड स्पीकर प्रतिबंध होना चाहिए धार्मिक स्थलों पर, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो स्थितियां परिस्थितियां देश में बनी है, तो ऐसे में लाउड स्पीकर पर नहीं बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। लेकिन जीतनराम मांझी बीजेपी के उस बयान, बीजेपी के नेताओं के उस बात को से सहमत दिख रहे हैं, लाउड स्पीकर प्रतिबंध होना चाहिए, ये बात जीतनराम मांझी का मानना है। जीतनराम मांझी धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बात कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि बीते दिन जीतनराम मांझी के सरकारी आवास पर दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिस पर तमाम दलों के नेता मौजूद थे। उस बीच जब सवाल किया गया कि क्या लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्या लाउड स्पीकर मस्जिद और मंदिरों से उतरना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लोगों में बाधाएँ उत्पन्न होती है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों पर साथ ही साथ धार्मिक जुलूसों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जीतनराम मांझी का बयान काफ़ी मायने हैं। लगातार जीतनराम मांझी अल्पसंख्यकों की बात कर ली जाए या दलितों की बात कर ली जाए, उनके मुद्दों पर उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जहां एक तरफ एक बड़ा तबका अल्पसंख्यक की बात कर ली जाए वो इस भाषा का विरोध कर रहे हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी इसे मांग कर रही है कि पूरे भारत में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मंदिर मस्जिदों या कहीं भी लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर वहाँ नहीं लगेगा। लेकिन वही जीतनराम मांझी भी उन बातों का समर्थन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका मानना है कि ऐसे में ध्वनि प्रदूषण होता है और धार्मिक जुलूसों भी प्रतिबंध लगना चाहिए।